हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित दीमान, आप देख रहे हैं रोहित दीमान आरसी चैनल। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा कंडेंसर का चैप्टर चला हुआ है और उसकी जो फर्स्ट वीडियो आई थी कंडेंसर वर्किंग टाइप एंड यूज इन हिंदी, और जो सेकंड वीडियो आई थी कंडेंसर पार्ट नेम एंड कैसे वर्क करता है, पार्ट वन में आया था ये कि कंडेंसर के पार्ट। और जो आज लास्ट वीडियो है कंडेंसर नंबर 3, कंडेंसर पार्ट फुल डिस्क्रिप्शन इन हिंदी पार्ट 2। और ये पूरा चैप्टर अगर आपको देखना है तो आपको ये तीनों वीडियो देखनी होगी, और इनका मैंने टाइटल लिख दिया है। और जिसको भी कंडेंसर पूरे चैप्टर की जानकारी चाहिए वो तीनों वीडियो देखें। और आज हमारी जो वीडियो है वो नंबर 3 चलेगी, लास्ट पार्ट इसका है, और जिसका टाइटल हमारा कंडेंसर पार्ट फुल डिस्क्रिप्शन इन हिंदी पार्ट 2, रोहित दीमान आरसी चैनल पे। और चलिए हम बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, हमने बात किया था कंडेंसर टाइप को लास्ट वीडियो में, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड एवेपोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर के टाइप्स की बात हो गई थी कि एयर कूल्ड कंडेंसर कौन कौन से टाइप होते हैं, नेचुरल एंड फोर्स, और उनके आगे टाइप क्या है, कहाँ वर्क होते हैं, कहाँ पे यूज होता है, उन सब के बारे में बात हो गई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर से। वाटर कूल्ड कंडेंसर होता क्या है, जिसके अंदर पानी का यूज होता है एक मीडियम के रूम में। और जो वाटर कूल्ड कंडेंसर, इसके टाइप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर, नंबर 2 साइलेंट कॉइल टाइप कंडेंसर, एंड नंबर 3 डबल पाइप कंडेंसर, और इसका दूसरा नाम ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर भी बोला जाता है। और एक बात और बता दूं, ये जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है, ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर, साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर जो वाटर यूज होता है वो कूलिंग टावर का पानी यूज होता है, और कूलिंग टावर का पानी हमेशा नीचे से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है विपर रेफ्रिजरेंट यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से आउट होगा। यहाँ से आउट क्यों होगा, क्योंकि हमारा कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है और हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से आउट हो रहा है, तो यहाँ से कोल्ड वाटर के संपर्क में पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। चलो हम थोड़े से इसके पार्ट देख लेते हैं। ये बफल होते हैं, बफल क्या करता है, जो पानी है पानी की स्पीड को कम करता है ताकि हीट एक्सचेंज ज्यादा हो, पानी एकदम बाहर ना निकले। ये सेल है, सेल क्या होता है, एक सेल होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में हो सकता है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल की। ये ट्यूब सीट है, यहाँ पे आपको ट्यूब सीट देखेगी, आउटलेट प्लेनम एंड इनलेट प्लेनम, और यहाँ से पानी आउट होगा, यहाँ से इन होगा, और हमारा यहाँ पे सेल साइड फ्लूट आउट है। ये बफल है, पानी को डायरेक्टली मूवमेंट के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइम पीरियड लगता है ताकि पानी थोड़ी रुक के यहाँ पे प्रोसेस करे। और ये सेल साइड है, सेल के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है और ट्यूब के अंदर पानी रहता है। अब जब कूलिंग टावर का पानी यहाँ से आएगा तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको लिक्विड में करने का काम करता है, और इसी कारण से इसको यूज किया जाता है। ये हमारा साइलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर। अगर आप चाहो तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी हम पार्ट की बात करें, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले आपको बता दूं, हाई एफिशिएंसी प्लांट में इसका यूज होगा, जहाँ पे हाई एफिशिएंसी या ज्यादा टीआर वाले प्लांट होते हैं। और ट्यूब यूज स्टील एंड कॉपर, जो इसकी इनसाइड में ट्यूब होती है जिसके अंदर पानी चलता है, वो स्टील या कॉपर की हो सकती है, क्योंकि स्टील कहाँ पे यूज होती है, अमोनिया प्लांट में, और कॉपर होती है अदर प्लांट में, जैसे अपनी रेफ्रिजरेंट हो R134a, एंड इनसाइड ट्यूब में वाटर एंड सेल रेफ्रिजरेंट में, सेल में रेफ्रिजरेंट मूव करता है। आगे मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट हमारा जो है, सेकंड पार्ट हमारा साइलेंट कॉइल टाइप कंडेंसर। साइलेंट कॉइल टाइप कंडेंसर में क्या होता है, देखो हॉट रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वार्म वाटर आउट एंड कोल्ड वाटर इन, ये कॉइल बनी हुई है और इस कॉइल के अंदर वाटर चलता है। हमारे यहाँ से कोल्ड वाटर गया और यहाँ से पूरी तरह सर्कुलेशन होने के बाद हमारा जो हॉट वाटर है यहाँ से निकल गया। अब ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर हमारा क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट रहेगा, ये हमारी कॉइल है, कॉइल के अंदर वाटर रहेगा। अब हॉट रेफ्रिजरेंट इन है और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, मतलब ऊपर से वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है और नीचे क्या हो रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉइल के अंदर ठंडा पानी था और उसने यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है हमारा गर्म रेफ्रिजरेंट और यहाँ पे ठंडा पानी, उसके साथ क्या किया, हीट एक्सचेंज किया, उसमें का आदान प्रदान किया। उसके बाद हमारा पानी तो गर्म होकर बाहर निकल गया, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट गर्म था वो ठंडा होने के बाद आगे कहाँ चला गया, रिसीवर के अंदर चला गया है। तो ये हमारा साइलेंट कॉइल टाइप कंडेंसर। चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और कहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसका प्रयोग होता है लो एफिशिएंसी प्लांट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्यूब होती है वो कॉपर की होती है, और जो सेल होता है वो स्टील का बना होता है, और इनसाइड ट्यूब वाटर फ्लो करेगा एंड सेल में रेफ्रिजरेंट मूव करेगा।
और लो एफिशिएंसी प्लांट क्यों है, क्योंकि इसकी जो कॉयल है उसको क्लीन नहीं किया जा सकता किससे, जैसे ब्रश के साथ, इसको केवल क्या करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही क्लीन कर सकते हैं। अगर उसमें स्केलिंग आ जाती है तो स्केलिंग के लिए हम डायरेक्ट ब्रशिंग का इसमें यूज नहीं कर सकते। और हमारा जो थर्ड पार्ट है डबल पाइप कंडेंसर या ट्यूब इन ट्यूब पाइप कंडेंसर बोल देते हैं इसको। इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर ना एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप फिट होती है, मतलब डबल पाइप कंडेंसर, मतलब ट्यूब इन ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब यूज होती है। जैसे एक ट्यूब ऊपर दिख रही है, एक ट्यूब नीचे दिख रही है, ऐसे इसमें होता है। और जो अंदर वाली ट्यूब होती है उसमें पानी आता है, और जो बाहर वाली ट्यूब होती है उसमें रेफ्रिजरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो अंदर वाली ट्यूब में पानी है वो ठंडा है, और बाहर वाली ट्यूब में रेफ्रिजरेंट है। अब ये जो बाहर है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राकृतिक हवा भी तो इसके टच में आएगी, और अंदर इसके पानी है, अंदर कोल्ड वाटर और बाहर प्राकृतिक हवा। जब ये दोनों चीज इसको लगेगी तो हमारा रेफ्रिजरेंट क्या होगा, जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट होने का काम करेगा। अब यहाँ से हमारा क्या, देखो हॉट फ्लूड आ रहा है, अब हॉट फ्लूड यहाँ पे आया, अब जैसे यहाँ पे रेड में हॉट फ्लूड दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट कॉइल तक जाते जाते क्या हो गया, पूरी तरह से लिक्विड में चेंज होने के बाद ये क्या हो गया, एग्जिट हो गया। और हमारा यहाँ से क्या हुआ था, हमारे यहाँ से ऐसे वर्किंग होती है कि डबल इन पाइप है, एक पाइप में हमारा क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट, अंदर वाली पाइप में पानी रहेगा, और बाहर वाली जो पाइप है उसमें रेफ्रिजरेंट रहेगा, ताकि बाहर की हवा और अंदर पानी दोनों के टेम्परेचर के द्वारा हमारा रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से ऊपर में लिक्विड में चेंज हो जाए। चलिए इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है वेरी मोर यूज इन डिफरेंट प्लांट, भिन्न भिन्न प्लांटों में इसका यूज होता है। जहाँ पे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो अच्छा रेफ्रिजरेंट या अच्छे प्लांट में इसका यूज किया जाता है, इनसाइड पाइप में वाटर और आउटसाइड पाइप में रेफ्रिजरेंट यूज होता है। और आउटसाइड पाइप डायमीटर, ये क्वेश्चन आप दोनों लिख लेना, बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक एग्जाम में नहीं, लेकिन हाई एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। आउटसाइड पाइप का डायमीटर होता है 50 mm और इनसाइड पाइप डायमीटर होता है 30 mm। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो मैंने दोनों वैल्यू लिखी है, ये मैंने एक रॉयल बुक है वहां से लिखी है, तो इसको मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल एक्यूरेट है, तो लिखने से पहले एक बार चेक भी कर लेना गूगल पे या कहीं और, लेकिन ये एक बुक के अंदर लिखी हुई है उसी को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है। ठीक है, आउटसाइड पाइप डायमीटर 50 mm और इनसाइड पाइप डायमीटर 30 mm। आगे बात करते हैं, हमारा जो थर्ड कंडेंसर था, हमारा फर्स्ट एयर कूल्ड, दूसरा वाटर कूल्ड, नंबर 3 एवेपोरेटिव कंडेंसर। एवेपोरेटिव कंडेंसर क्या होता है, देखिए इसके अंदर फैन लगा होता है, फैन होता है, एलिमिनेटर होते हैं। इसको अगर हम देखा जाए तो सेकंड कूलिंग टावर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि इसमें एयर और वाटर दोनों का यूज होता है, क्योंकि एवेपोरेटिव कंडेंसर में हवा और पानी दोनों मीडिया होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट वेपर इन हो रहा है, अब यहाँ से वेपर इन हुआ, यहाँ पे घूमा, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड आउट हुआ, लिक्विड निकल गया। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो, सॉरी देखिए क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या, नीचे वाटर टैंक में क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, और उसको बुछार कौन करेगा, पंप के द्वारा करेगा। पंप ने क्या किया यहाँ पे, पानी की बुछार की नोजल के द्वारा, नोजल किसके ऊपर स्प्रे करेगा, हमारा रेफ्रिजरेंट वाली क्वाइल के ऊपर, क्वाइल के ऊपर पानी का स्प्रे किया, कुछ ठंडा हुआ, और यहाँ से क्या होगा, हमारी एयर आएगी। एयर कौन सी, नेचुरल एयर, और नेचुरल एयर को मूवमेंट कराने का कौन काम करता है, फैन काम करता है, क्योंकि फैन क्या कर रहे हैं, वैसे मूव कर रहा है एयर को। और यहाँ पे एलिमिनेटर लगे होते हैं, एलिमिनेटर क्या काम करते हैं, जब फैन हवा को सक करता है तो उसके साथ कुछ मात्रा यहाँ से पानी उठा लेता है, और वो पानी का लॉस ना हो इस कारण से एलिमिनेटर का यूज होता है, कि एलिमिनेटर जो है वो पानी को रोक सके और केवल हवा को बाहर निकाला जा सके। और इसके थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या इसमें यूज होता है, एयर आउट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये फैन है हमारा, ये एलिमिनेटर है, ये स्प्रे हेडर विद नोजल लगी हुई है, ये स्प्रे वाटर है, ये पंप है, ये वाटर टैंक, एंड एयर इन फ्लोट वाल कि हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहे, एंड मेकअप वाटर पंप, ये हमारा मेकअप वाटर टैंक है। तो ये हमारा था एवेपोरेटिव कंडेंसर। और जैसे हमने बात की थी पहले कि हमारा कंडेंसर कैसे काम करता है, और उसके एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड एवेपोरेटिव कंडेंसर होने के टाइप, वो सारा ही कंप्लीट हो गया है। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट डालिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और के साथ, रोहित दीमान आरसी चैनल पे, रोहित दीमान साथ।
एंड प्लीज गिव फीडबैक आपको वीडियो कैसी लगती है एंड थैंक यू।